हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले रिगार्डिंग योर 50-50 रूल। देखिए 50-50 रूल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम पढ़ा रहे थे MSTCET 2023 के बच्चों के लिए, अभी से हम स्टार्ट हो रहे हैं MSTCET 2024 के बच्चों के लिए, ठीक है। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करके रखा है, वहां पे सारे PDFs नोट्स वगैरह सारे अभी से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे सारे PDFs नोट्स वगैरह सारी चीज़ें अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना है। कुछ भी क्वेरी रही तो आप एडमिन को पूछ सकते हो, मतलब मुझे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको अगर कुछ भी दिक्कत है तो, ठीक है। इंटरनेट पे कोई नहीं ऐसे ओपनली व्हाट्सएप नंबर देता है, लेकिन मैंने आपको दिया है क्योंकि आपके पर्सनल डाउट्स भी क्लियर होने चाहिए, है ना। तो और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने का पीछे एक ही रीजन है, अगर मैं वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंचे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही होती है कि नहीं। तो बात करते हैं अभी 50-50 रूल के बारे में कि 50-50 रूल क्या है, इंप्लीमेंट होने वाला है नहीं होने वाला है। अचानक से मैंने इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया, उसके पीछे का भी लॉजिक। रिसेंट कुछ वीक्स से, ठीक है, 2-3 हफ्ते से एक कैंपेन चल रही है इंटरनेट पे, ठीक है। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स सीटी सेल को टैग कर रहे हैं कि हमें अभी 50-50 रूल इंप्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि टोटल सीटी के स्कोर पे हमारा एडमिशन होता है इंजीनियरिंग या फार्मेसी कॉलेज में, ठीक है। तो वहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं बोर्ड्स के लिए और सीईटी से हमारा एडमिशन होता है, बोर्ड्स का तो कुछ वैल्यूएशन ही नहीं रहा, ठीक है। तो लोगों का कहना है, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, न्यूज रिपोर्टर्स, इनका कहना है कि दोनों चीजों को 50-50 लाओ, ठीक है। 50% बोर्ड्स का कंसीडर करो, 50% सीईटी का कंसीडर करो, ठीक है। ये मतलब एक डिमांड की है सीईटी सेल के पास, ठीक है। तो इसका जवाब अभी तक सीईटी सेल ने नहीं दिया है, क्योंकि सीईटी सेल ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम अभी भी कुछ भी इस बारे में हमने नहीं सोचा है 50-50 रूल के बारे में, ठीक है। जब भी इंप्लीमेंट करना होगा हम डायरेक्ट आपको नोटिस भेज देंगे, ठीक है। तो सीईटी सेल की तरफ से इस बार तो कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन बहुत पहले ही आ चुका था रिस्पांस कि हम 50-50 रूल को इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन अभी भी डिमांड जारी है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की और न्यूज रिपोर्टर्स की, आर्टिकल्स की, ठीक है। तो उसके बेसिस पे रिजल्ट अगर चेंज होता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि हाँ 50-50% दोनों चीजों का स्कोर कंसिडर होने वाला है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो एटलीस्ट 75-25 तो करना चाहिए, 25% बोर्ड्स का स्कोर उठाना चाहिए, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं कम से कम, क्योंकि बच्चे बोर्ड्स पे ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। सिर्फ सीटी ओरिएंटेड हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, कॉम्पिटिटिव के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा वेटेज देना चाहिए बोर्ड्स को, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी सीटी सेल की तरफ से, मुझे पता है आप तक अपडेट नहीं पहुंच पाती, ठीक है। ये सारी अपडेट आप तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि कोई टाइम टू टाइम बताने वाला नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रखना, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स वाला को जानते होंगे, अलग सर को जानते होंगे, मैं खुद उनसे पढ़ा हुआ, आप में से बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़े होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। तो फिजिक्स वाला ने बहुत सारे बैचेस लॉन्चेस किए, ठीक है, उस बैचेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सो बेसिकली फिजिक्स वाला सेलिब्रेटिंग इंजीनियर्स डे, ठीक है, और उस मौके पे बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए लाए हैं गेट्स के बैचेस के ऊपर, ठीक है। तो जो बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन बैचेस के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो पहली बैच है उसका नाम है आपका पराक्रम गेट 2024 डेटा साइंस एंड AI बैच, ठीक है, जिसकी प्राइस सिर्फ आपकी 2,499 रुपए है, ठीक है। पराक्रम 2.0 बैच, ठीक है, फॉर गेट 2024 एग्जाम, इसकी प्राइस सिर्फ आपकी 3,999 रुपए। श्रेष्ठ गेट 2025 प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ आपकी 11,999 रुपए। उसके बाद है श्रेष्ठ गेट 2026 PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन फॉर कंप्यूटर साइंस बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 15,999 रुपए है, ठीक है। उसके बाद है विजय बैच बी गेट 2024, बेसिकली ये रैंक इंप्रूवमेंट एंड ड्रॉपर बैच है, जिसकी प्राइस सिर्फ 2,499 रुपए है। उसके बाद है श्रेष्ठ ESC प्लस गेट प्लस PSU 2025 बैच, ठीक है, ऑल बैचेस ब्रांचेस के लिए बेसिकली है, जिसकी प्राइस सिर्फ आपकी 11,999 रुपए है। उसके बाद है श्रेष्ठ ESC प्लस गेट प्लस PSU 2026 बैच, ऑल ब्रांचेस के लिए, जिसकी प्राइस सिर्फ 15,999 रुपए है। उसके बाद लास्ट जो बैच है उसका नाम है ESC नॉन टेक 2024 बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 2,999 रुपए, ठीक है। खास करके ये बैचेस किन बच्चों के लिए बताएं, जो बच्चे AIDS के लिए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस बैचेस की कुछ फीचर्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेक्चर प्लानर और जो टेस्ट प्लानर्स है वो ऑलरेडी बैचेस में अपलोडेड है, ठीक है। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है, जिसमें आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, कंडक्ट होंगे, ठीक है, सैटरडे संडे। उसके बाद MCQ MSQs और NATs के फॉर्मेट में आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस शीट्स यहाँ पे कराई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लाइव डिस्कशन होगा प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। PYQs
रिवाइज कराए जाएंगे इन द फॉर्मेट ऑफ क्विज, ठीक है, क्विज के फॉर्मेट में आपके सारे क्यूज रिवाइज कराए जाएंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इंजीनियर्स डे के लिए ये ऑफर वैलिड है, तो जल्द से जल्द आपको इसका लाभ उठाना है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पीडब्ल्यू बुक्स के बारे में आपको बहुत फोकस करना है, बुक्स में आपके 16 ईयर्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं, दो बुक्स होते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ठीक है, टोटली गेट ईयर ओरिएंटेड बुक्स है, ठीक है। ये सारी चीजों का अवेल करने के लिए मेरा कूपन कोड आपको जरूर यूज करना है, ठीक है। इस कूपन कोड को जैसे आप यूज करोगे आपको 500 rupees और ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको चेक कर लेना है। ये सारी चीजें थी आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, अगेन वन थिंग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहां पे ही हमारा मेन अभी जो टास्क है वहीं पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और कुछ भी पर्सनल डाउट है, एकेडमिक्स डाउट है, आपको पढ़ाई की स्ट्रैटेजी चाहिए तो प्लीज आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम ऐसे ही बच्चों तक पहुंचेंगे, ठीक है, उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं हर साल, ठीक है। इस साल भी आप, मैं गारंटी देता हूँ, सीओपी विजिटी वाजन वीआईटी वीआईटी के जिसमें कॉलेजेस में आप जाओगे, ठीक है। मैंने कुछ ही नाम लिए, ठीक है, ऐसे में एक बार ही मैं 50 कॉलेजेस के नाम बोल सकता हूँ, लेकिन ये टॉप कॉलेजेस है जहाँ पे आपको जाने की हमेशा जिद होनी चाहिए अगर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। और जेई और सीईटी के बीच में किसको चूज करना चाहिए, इसके बीच का वीडियो मैंने पहले ही आपके सामने रख दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो, क्लियर कट क्लैरिफिकेशन दे दिया है मैंने, ठीक है। तो खत्म करता हूं मैं वीडियो को और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।